वैसे ना अब तक मैंने अपने कोर्सेज बनाए कुछ जो लाइक यूडेमी पे अप्रॉक्सीमेटली 2-3 हज़ार बच्चों ने ज्वाइन करे और काफ़ी सारी जगह पॉपुलर रहे हैं ना, टॉप सर्चेज में भी आए और 5 स्टार रेटिंग मिली। लेकिन इन कोर्सेज को बनाने से पहले है ना, या कोई भी बिजनेस आइडिया दिमाग में लाने से पहले, जब डे 1 में मैंने जो ये लाइक बिजनेस प्लानिंग स्टार्ट करी ना, मैं तब की एक स्टोरी बताता हूँ। तो मैं सडनली मुझे याद आई तो आप लोगों को बताता हूँ। मैं लाइक 2017 की बात है या 18 की, मैंने अपने एक दोस्त के साथ ना एक लाइक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप सोचा। हमने सोचा उसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, बट क्या होता है हमें ये नहीं पता था, जो जो उसमें जैसे होता नहीं कि सो के उठा और बोला कि बिजनेस करना है, ये वाला था सो के उठा, एक दोस्त है सनीश, उससे कुछ पैसे उधार लिए और कहा कि बिजनेस स्टार्ट करना है। अब हमने प्रोडक्ट भी परचेज कर लिया, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से चांदनी चौक और ये लाइक एक मार्केट है, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं पता, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, हाँ चावड़ी बाजार करके मार्केट है, वहां से हमें वो प्रोडक्ट मिल गए। प्रोडक्ट बहुत सिंपल और बेसिक थे, बाइक और कार के कवर्स। हमने वो प्रोडक्ट परचेज करे वहां से। अब हम पहली बार में प्रोडक्ट परचेज करके लाए उस वैल्यू पे जो इंटरनेट पर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं सेलर्स ना, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम पे भी सेल होती है, पेटीएम और एक और था स्नैपडील करके, इन सब वेबसाइटों पे लाइक हमने वो 300-300 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे और वहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेट पे वो 300 रुपए के बिक रहे थे। लेटर ऑन हमें पता चला कि इसकी कॉस्ट सिर्फ 80 रुपये है, हमें वो उसने चेप दिया दुकान वाले ने। बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हमने उसकी अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करनी शुरू करी, तो लिस्टिंग नहीं आती थी, हम प्रोडक्ट दूसरों की स्टार्टिंग फेज में कॉपी करते थे दूसरों की लिस्टिंग्स को। इसके लिए एक टर्म यूज होती है, जब कोर्स वगैरह अपना बनाऊंगा ना ई कॉमर्स का, उसमें वो बता दूंगा, अभी तो मुझे ये याद भी नहीं आ रही है वो क्या है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या थी यार, कि जो वो प्रोडक्ट था ना उसकी क्वालिटी बहुत लो थी। मतलब इवन मैं अपनी बाइक या कार के लिए ऐसे कवर कभी यूज नहीं करता, मतलब कभी नहीं परचेज करता, बट अभी हमने उसमें पैसा उधार लेके इन्वेस्ट करा था, तो हमें वो क्या था, हर हाल में वो प्रोडक्ट सेल करना था, है ना। तो हम लोग ये मतलब एक शरीफी वाली बात है, हम लोगों ने क्या करा, मैंने और जो मेरा पार्टनर था, हमने सोचा कि एक नोट लिख के डालते हैं हर पोस्ट में और उसमें माफी लिखते हैं कि सर जो हम आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो लो क्वालिटी का है और हमें इसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन हम जब दोबारा सेल करेंगे ना, मतलब नए प्रोडक्ट लाएंगे तो आपको हम डिस्काउंट दे देंगे, और उसमें नीचे अपना फोन नंबर मेंशन कर देते कि मतलब कैसे पता चले ट्रैकिंग के लिए, तो आप हमें बता देना आपने कवर खरीदा है और हम आपको रिटर्न कर देंगे। और हमने ऐसे करके ना कुछ प्रिंट आउट निकलवा के लाए हम दुकान से, और वो प्रिंट आउट हमने ना हर पैकिंग में ऐड कर दिया। हमारे पास लगभग लगभग 80 से 90 ऑर्डर आए, ठीक है, क्योंकि हमारी लिस्टिंग्स अच्छी थी, मतलब कॉपी थी बट सही करी हमने, एडिटिंग सही करी, प्राइसिंग हमने सोचा 2 रुपए के प्रॉफिट पे भी बेच देंगे 2-3 के, क्योंकि अभी उतनी समझ थी नहीं बिजनेस की अपन लोगों को। तो थैंक गॉड एक मैम है, एक लाइक भाभी है हमारी एक, है ना, तो भाभी ने हमें बताया है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना इसी को बेवकूफी कहते हैं, क्योंकि तुम खुद बता रहे हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो बेकार है, वो किसी यूज का नहीं है। तो उनके कहने पे जो पहला डिसीजन हमने सबसे सही लिया ना अपनी लाइफ का, वो ये कि हमने जो वो पैम्पलेट उन बाइक और कार कवर में डाली थी ना कि ये लो क्वालिटी के प्रोडक्ट है, हमें इसके लिए माफ कर दो सर प्लीज, बट इसको रिटर्न मत करना हम बर्बाद हो जाएंगे करके, वो उन्होंने उसमें से वो पर्चे निकलवाए। क्योंकि हम अगर बता देंगे ना कि हमारे प्रोडक्ट में कमी है, हम तो कोई और क्या परचेज करेगा उस चीज को, जिसको हम खुद ही अपने लिए परचेज नहीं करना चाहते हैं। तो हुआ क्या, 100 पीस मान लो आप एग्जाम्पल, अभी तो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, मुझे तो ये याद नहीं रहता कि कल मैंने क्या खाया, तो नंबर तो याद रखना बड़ी बात है। तो आप एग्जाम्पल मान लो राउंड फिगर में 100 पीस जैसे हमने लाइक बेचे डे 1 में, तो जो हमारी रिटर्न थी ना वो लगभग 30 या 20 के आसपास थी, यानी कि उनमें से 20-30 पीस हमारे रिटर्न आ गए, पर बाकी के जो अप्रोक्सीमेटली 70 पीस थे वो लोगों ने ले लिए, और हमें फ्लिपकार्ट पर रेटिंग दी लगभग 3 स्टार, 3, 3.2 स्टार, ऐसे हमें समथिंग रेटिंग मिलती रही। तो वहाँ एक चीज़ समझ में आई कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट की कमी लोगों को नहीं बताओगे ना, कोई इस दुनिया में नहीं जान सकता उसमें कमी क्या है। मार्केटिंग यही एक चीज़ है कि जब आप दुनिया के, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा आप बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो, ऑल्दो लास्ट में वो बिजनेस बंद हो गया, थोड़ा पार्टनरशिप डिस्प्यूट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रीजंस थे ऐसे ही उनसे मिलते जुलते, तो वो बिजनेस बंद हो गया और वो चला नहीं। बट हाँ, अब हमने सेल बहुत अच्छी करी थी, आप मान के चलो कि हमारे एक दिन के ऑर्डर जो हमने पहुंचाए ना उस बिजनेस के अंदर, खैर पहले ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ, जो वो टोटल हमने पीस खरीदे थे ना लगभग 400-500, वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए, सारे के सारे, लिटरली मुझे बिलीव भी नहीं हुआ। तो
मतलब आप सोच के देखो, मैंने उस टाइम पे ना, मुझे दिखावे का शौक था, हर किसी को होता है कि मतलब आपने कॉलेज खत्म करा, आपके दोस्त नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपने अपनी कंपनी खोल दी, तो मैं वो स्टैटिक्स ना फेसबुक पे शेयर करता था अकाउंट के, है ना, तो सब लोग जानते थे कि हाँ इस बंदे ने कितना सही कमाया, लेकिन वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, बेवकूफियां जो होती हैं अनमेच्योर होने वाली, वो वहां गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, वो बिजनेस वहीं की वहीं कॉलैप्स हो गया एक तरीके से, लेकिन अभी चल रहा है, जो पार्टनर था उसने उसको कंटिन्यू करा, मैं साइड हो गया अभी, वो रीजन तो अपनी बुक में मैं लिखूंगा जो बुक में लिख रहा हूँ, खैर। बट जो सबसे जरूरी चीज आपको जाननी है ना किसी भी बिजनेस के अंदर, वो है कंटिन्यूटी और भरोसा, कि आपको अपने प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है और इस बात पे कि आप कितनी अच्छी सेल कर पाते हो। मैं आपको बताऊं, हमने जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करी थी ना, उसका जो अप्रोक्सीमेटली रिवेन्यू होता था, वो एनुअली, आप मानो, एनुअली कह रहा हूँ सॉरी, मंथली 3 से 4 लाख रुपए बनता था। अब उस 4 लाख में आप ये मान के चलो, अगर हमने 2 लाख का भी सामान खरीदा ना, तो 2 लाख 20-30 हज़ार का सामान खरीदा, तो बाकी नेट प्रॉफिट है, समझ रहे हो? तो ये वाली चीजें आपको जाननी होंगी। और एक चीज जो मैं सलाह दूंगा ना, आप बिजनेस पार्टनरशिप में करो या किसी में भी, या तो हर चीज ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड रखो, अकाउंट्स डिटेल वगैरह डॉक्यूमेंटेड रखो, वरना अकेले भी आप कर सकते हो, बाकी चॉइस योर है, सब बातें इंटरनेट पे नहीं कह सकता, बट हाँ मौज करो। मतलब ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि कितना हम लोग दोनों ही, मतलब वो भी जो दोस्त था मेरा, वो भी उस टाइम उसके भी मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ हम बस किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हमने वो लेटर उसमें ऐड करा अपने प्रोडक्ट के लिए कि सर माफ कर देना, गलत प्रोडक्ट है। और उस टाइम यार वो हिट गया था, हिट, लिटरली हिट, हमारे प्रोडक्ट ना फ्लिपकार्ट पर ना टॉप सर्च में आते थे, समझ रहे हो? मतलब आप लोग में से शायद कि बहुत लोगों ने परचेस करा होगा जिनके पास बुलेट है, एक बुलेट का बाइक कवर आता था फ्लिपकार्ट पे व्हाइट फॉक्स नाम से, वो व्हाइट फॉक्स की ब्रांड सजेशन ना वो मेरा ही था, और उसको हमने कंपनी के नाम पर रजिस्टर कराया था, जो यूएस इंटरप्राइजेस नाम से एक कंपनी हुआ करती थी हमारी उस टाइम, मतलब प्रोप्राइटरी बेस्ड कंपनी थी ये, तो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह दोस्त के नाम पे ही था सारा कुछ, बट यूएस का मतलब था उमा शंकर, यानी कि मेरे फादर के नाम के जो इनिशियल्स थे ना वो हमने यहाँ पे यूज करे थे, तो यूएस इंटरप्राइजेस हमने इसका नाम धर दिया था। और हमने देखा उस टाइम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कितना प्रॉफिट है, और फिर वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, आप में से कोई अगर अपना बिजनेस कुछ भी शुरू करना चाहता है ना, तो कर सकता है, इंडिया में इस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटी है ना बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए, उतनी कभी नहीं थी। खैर मैं अपने एक्सपीरियंस तो शेयर भी करूंगा अगले 3-4 महीने में, अभी तो फिलहाल जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ मैं इस वीक से एक कंपनी में, और 4-5 महीने नौकरी करके अपनी दोबारा कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ एक जॉब के साथ ही, तो उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना और बताना अगर आप मेरी जगह होते और आप ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते तो आपका डिसीजन क्या होता, क्या हम लोग ऐसे लेटर ऐड करते या कुछ और तरीका निकालते उनको सेल करने का, मुझे बताना। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना हमने किसी के साथ धोखा करा, क्योंकि उस प्रोडक्ट को हमने बहुत घाटे में बेचा था, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत घाटे में स्टार्टिंग में, लास्ट में हमें उसमें समझ में आया था प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। और पता है लोग कितने, हाँ एक और बताता हूँ तुम्हें, पता है फ्लिपकार्ट अमेजोन के जो बायर होते हैं वो अलग कितने हरामी लोग होते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें, हालांकि आज मैं भी एक बायर ही हूँ मतलब, पर उसमें कुछ लोग कितने हरामी होते हैं, हमसे ना कार कवर लास्ट में ना प्रीमियम उसमें आगे प्रीमियम कैटेगरी के कवर बेचने लगे, लाइक जिनकी हमारी खुद की कॉस्टिंग 800 से 900 रुपये होती थी एक कवर की, है ना, यानी कि आप मान लो अप्रोक्स 1000 रुपीज तक वो कवर की कॉस्ट हमें जाती थी, एक कवर का वेट होता था 2 से 3 किलो, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे सीन क्या होता है, बल्कि 3 किलो से ऊपर ही जाते हैं जो गाड़ियों के कवर होते हैं ना सेडान वगैरह के, तो अब इसमें होता क्या, जो कस्टमर होता था ना वो हमसे बाइक के कार के कवर खरीदता, कोई तो उसमें फटे हुए कच्चे बनियान अपने घर के डाल देता, कोई पोछा डाल के हमें रिटर्न मार देता कि इन्होंने, मतलब हमने उसको पोछा डिस्प्यूट क्या कहते हैं इसको डिलीवर कराए, इसके अलावा कोई हमें घर के पुराने तकिया डाल के रिटर्न मार देता, कोई माल फूकने वाले वो आते ना पेपर, वो पेपर रिटर्न मार देता, मतलब बड़ी अजीब अजीब चीजें आती यार रिटर्न में। तो बाद में हमें पता चला इससे भी हम अपना पैसा वापस कैसे ले सकते हैं, हाँ स्टार्टिंग फेज में इसकी वजह से भी लगभग लगभग 15 या 20 हज़ार रुपये का हमें घाटा हो गया था, बट लेटर ऑन हमें पता चला इसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं, तो चीजें बैलेंस हुई। बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस अमेजोन फ्लिपकार्ट का आगे शेयर करेंगे अपनी सीरीज में, स्टार्टअप सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी आप में से किसी को मेरे साथ कोई वीडियो करना चाहते हैं या कोई कॉलैब करना चाह रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करेंगे, डेफिनेटली आप जानते हो मैं लोगों को सबको रिप्लाई करता हूँ, तो हम साथ में वीडियोस भी कर सकते हैं। एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।